अस्सलाम दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बैकअप कैमरा रोल ऑन स्नैपचैट, कि स्नैपचैट पे हम लोग अपने कैमरा रोल का बैकअप कैसे देख सकते हैं या उसे गैलरी में कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बगैर को टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने स्नैपचैट के अकाउंट को ओपन किया तो इधर आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ ऑलरेडी बहुत से लोग ऐड हैं और ये आईडी मेरी काफ़ी पुरानी है। अगर आप लोगों की भी आईडी काफ़ी पुरानी है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना बैकअप रिकवर कर लें या मोबाइल गैलरी में देखें या स्नैपचैट पे देखें कि हमारी पिक्चर्स या हमारी स्टोरी या पुरानी स्नैप हमारी किधर है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपने स्नैपचैट के अकाउंट को ओपन किया, इधर आप लोगों ने कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इधर आप लोग ये देख सकते हैं, आपको ये मेमोरीज का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इधर आप लोग ये देख सकते हैं, ये जुलाई 2023 से लेके यानी कि जितनी भी मेरी मेमोरीज है ये इधर ऑलरेडी सेव हैं। ये आप लोग स्नैप्स भी इधर देख सकते हैं, ये आप लोग ये देख सकते हैं 2020, 2022, 2021 की यानी कि ये 2 साल की मेरी ऑलरेडी सारी स्नैप सेव हैं इधर। और इधर आप लोग ये कैमरा रोल वाली भी देख सकते हैं, कुछ वीडियोस और स्टोरीज हैं। अगर हमारी स्नैपचैट की जो स्टोरीज हैं वो भी मेरी ऑलरेडी इधर सेव हैं, ये आप लोग देख सकते हैं 2020-21 से लेकर 2020-23 की सारी स्टोरीज भी सेव हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग ऐसे अपनी मेमोरीज यानी कि स्नैपचैट पे सेव करें तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो आप लोगों ने सिंपली करना ये है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इधर आप लोगों ने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है और इधर आप लोगों को एक मेमोरीज़ का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने सिंपली वो फाइंड कर लेना है और आप लोगों ने इस मेमोरीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करेंगे तो इधर आप लोग ये देख सकते हैं स्मार्ट बैकअप, आप लोगों ने इस ऑप्शन को सिंपली टिक कर देना है और आप लोग ये देख सकते हैं सेव बटन वाले ऑप्शन को आप लोगों ने सिंपली मेमोरीज एंड कैमरा रोल इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है और बैक आके आप लोगों ने ऑटो सेव वाले ऑप्शन पे भी ऑटो सेव टू मेमोरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ये वाले दो सेटिंग करेंगे तो अब आप लोग स्नैपचैट पे जितनी भी वीडियोस या स्नैप या स्टोरीज लगाएंगे वो आपकी तमाम स्नैप्स वीडियो स्नैपचैट में सेव होती रहेंगी। आप लोगों की मोबाइल की मेमोरीज होगी वो भी नहीं यानी कि ज़ाया होगी। पहले तो आप लोग जो भी वीडियो या स्नैप थी वो आप लोगों को मोबाइल की गैलरी में सेव करना पड़ती थी, जिससे आपकी मोबाइल की जो मेमोरी होती थी वो फुल हो जाती थी। मगर स्नैपचैट पे अगर आप लोग ये वाली सेटिंग कर लेंगे तो आपकी जितनी भी स्टोरीज होंगी या स्नैप होगी वो स्नैपचैट में ही सेव होती रहेंगी, आपकी मोबाइल की जो मेमोरी होगी वो ज़ाया नहीं होगी। तो गाइस आप लोगों ने सिंपली ये वाली सेटिंग कर लेनी है और अपनी जितना भी स्नैपचैट का बैकअप होगा वो आपका स्नैपचैट में ही सेव होता रहेगा, इससे आपकी मेमोरी ज़ाया नहीं होगी। और अगर आप लोग अपनी कोई भी वीडियो या स्नैप यानी कि जो आप लोग देखना चाहते हैं जो पुरानी है, तो आप लोगों ने सिंपली कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इधर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आप लोग ये देख सकते हैं स्नैप कैमरा और स्टोरी, आप लोगों की जितनी भी पुरानी जो भी चीज़ होगी वो आप लोग इधर से आके देख सकते हैं। और अगर आप लोग उसे रिकवर करके गैलरी में लेके जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपली किसी भी एक उस पिक्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आप लोग ये देख सकते हैं 3 डॉटिंग लाइन, आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और इधर आप लोग ये देख सकते हैं सेंटू का ऑप्शन आप लोगों को इधर मिल जाएगा। अगर सेंटू वाला ऑप्शन नहीं मिलता तो आप लोगों ने सिंपली एक्सपोर्ट और सेंड स्नैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप लोगों ने इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये आप लोग ये देख सकते हैं एक्सपोर्ट स्नैप, ये आपकी मोबाइल गैलरी में सेव हो गई है। तो गाइज़ ऐसे आप लोग अपनी स्नैपचैट पर कोई भी पुरानी वीडियोज़ या स्नैप डाउनलोड कर सकते हैं और बैकअप में रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्नैपचैट पर कैमरा रोल का बैकअप कैसे लेते हैं और कैसे स्नैपचैट पर हम लोग कोई वीडियोज़ या स्टोरी सेव कर सकते हैं सालों साल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।